नमस्कार दोस्तों, सो सैगल सिविल ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि कॉर्बल क्या होता है, कॉर्निक क्या होता है, उस दो शब्दों में क्या अंतर है सिविल इंजीनियरिंग में, इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो देखो मित्रों, ये जो हमने पिक्चर दिखाई है वो ही होता है कॉर्निक, और ये जो पिक्चर हमने दिखाई है इसे कहते हैं कॉर्बल। तो हम उसकी डेफिनेशन पहले जानेंगे और उसके बाद उसका पिक्चर कैसा होता है जानेंगे। कॉर्बल क्या होता है दोस्तों? कॉर्बल मतलब इन आर्किटेक्चर ए कॉर्बल इज ए स्ट्रक्चरल पीस ऑफ स्टोन, वुड और मेटल जटिंग फ्रॉम ए वॉल टू कैरी ए सुपर इनकम्बेंट वेट, ए टाइप ऑफ अ ब्रैकेट। मतलब क्या होता है कॉर्बल? ऐसा सिविल इंजीनियरिंग में जो एलिमेंट है वो क्या करता है, वो मतलब ऊपर का जो वेट है वो लेता है, उसे कहते हैं कॉर्बल। मतलब कॉर्बल क्या करता है, ऊपर का जो वेट होता है वो लेता है, उस ऊपर जो भार होता है वो लेता है, वो मतलब वो वेट लेने का काम करता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉर्बल कहते हैं। वो एक टाइप का ब्रैकेट भी है, तो उसका हम जो पिक्चर है वो देखेंगे। ये देखो कॉर्बल, ये कितना है, 18 इंच बाय 6 इंच बाय 17 इंच है। मतलब ये जो होती है वो उसकी हाइट होती है, ये होती है उसकी लेंथ होती है, और ये होते हैं उसकी विड्थ होते हैं। ये है कॉर्बल। कॉर्बल में भी डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं। हम पुराने जो घर होते हैं या पुराने राजवाड़े होते हैं उसको हम देखते हैं, अच्छा दिखने के लिए कॉर्बल का हम यूज़ करते हैं, और ऊपर का जो वॉल का वेट होता है वो भी हो लेता है। और ये एक अलग का कॉर्बल देखे, ये ऐसे कॉर्बल होते हैं। फिर हम देखेंगे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्बल है, उसके टाइप भी उसने किए हैं, CB1 CB2, ऐसे है उसके साइज़ के हिसाब से, उसने डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्बल ये जो है वो किए हैं। ये देखो ये है एक कॉर्बल है, अलग का कॉर्बल है, एक अलग का कॉर्बल है, एक अलग है, ऐसे कॉर्बल हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो आता है वो है कॉर्निक आता है। फिर ये देखो पुराने घरों में या पुराने राजवाड़े जो होते थे पहले एंशेंट टाइम में, उसके लिए ऐसे कॉर्बल यूज़ हम करते थे। डिज़ाइन का कॉर्बल होता है, ऊपर का जो वेट होता है वो लेता है, इसलिए उसे कॉर्बल कहते हैं। और जो कॉर्निक होता है, ये देखो कॉर्निक, देखो एक कॉर्निक का मतलब क्या है, सिंपली वो छज्जा होता है, वो हमारे घर के वॉल पर जो रेन वाटर आता है उसका प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निक हम यूज़ करते हैं, और दिखने के लिए भी वो अच्छा होता है, इसलिए उसे कॉर्निक कहते हैं। ये एक प्रकार का छज्जा ही है। एक कॉलम देखो, इस कॉलम पे जो आने वाला रेन वाटर का पानी है उस कॉर्निक के बजाय वो क्या होता है, वो फ्री मतलब दूर जाके गिरता है और ये बचता है रेन वाटर से, इसलिए हम कॉर्निक यूज़ करते हैं। एक तरफ का ये छज्जा ही होता है। तो उसकी डेफिनेशन देखो, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक कॉर्निक फ्रॉम द इटालियन कॉर्निक मीनिंग लेज मीन्स एज इज जनरली इन ए हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव मॉडलिंग दैट क्राउन्स ए बिल्डिंग और फर्नीचर एलिमेंट। द कॉर्निक ओवर ए डोर और विंडो फॉर इंस्टांस, और द कॉर्निक अराउंड द टॉप एज ऑफ पेडिस्टियल और अलॉन्ग द टॉप ऑफ एन इंटीरियर वॉल। ए सिंपल कॉर्निक में भी फॉर्म है जस्ट विद ए क्राउन, क्राउन जैसा वो दिखता है। द फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्टिंग कॉर्निक क्या होता है ऑफ ए बिल्डिंग इज टू थ्रो रेन वाटर फ्री ऑफ द बिल्डिंग वॉल। मीन्स क्या होता है, आपके समझ में आ गया, कॉर्निक क्या करता है, रेन वाटर को जो है वो डिफरेंस है कॉर्निक और कॉर्बल में, ये बेसिक डिफरेंस है। तो हमारे वीडियो आपको कैसे लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।